everybody. तो आज बृहस्पतिवार, राइट? जो लोग मुझे वीडियोज को फॉलो कर रहे हैं वो जानते होंगे कि आज टेम्पो रन था, यानी कि 5 से लेकर 15 किलोमीटर तक कुछ भी, जो कि काफ़ी तेज़ स्पीड में। तो आज मुझे 12 किलोमीटर करना था और ऑलमोस्ट जो टारगेट स्पीड थी उसके आसपास ही मैंने किया। लग रहा था कि नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हो गया। तो जब मैं आखिरी किलोमीटर दौड़ रहा था तो मुझे दौड़ते दौड़ते एक आइडिया आया कि आज आप लोगों से एक छोटे से शब्द के बारे में बात की जाए। शब्द छोटा है लेकिन अगर उसको जीवन में ले आओ तो वो काम बहुत बड़े कर सकता है। हिंदी में इस शब्द को बोलते हैं आस्था, हाँ, भरोसा। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फेथ। तो आप लोग थोड़ा बहुत तो शब्द को सुनते ही जान गए होंगे कि मैं किस भाव की बात कर रहा हूँ, हैं? तो आस्था ऐसी चीज़ है जिसने ऐसे ऐसे असंभव काम करवा दिए। मतलब ये समझो कि मीरा जो है वो कृष्ण पर ऐसी आस्था कि जहर भी पी ले तो कुछ हो ना पाए उसका। तो ये सब कहानियाँ जो हैं अभी हमारे ही टाइम पर किसने, वो क्या नाम है उसका, उसने पूरा पहाड़ी, मतलब उसकी पत्नी की कैंसर से डेथ हो गई थी, इलाज नहीं करवाए, मांझी। तो मांझी ने अकेले दम पर पूरा पहाड़ काट दिया। तो उसने जब पहली कुदाल मारी थी, एक्चुअली पहाड़ तो उसने तभी काट दिया था पूरा, क्योंकि उसके अंदर जो आस्था थी, जो भरोसा था अपने ऊपर कि ऐसा मैं करूँगा, तो बाकी तो काम जो है औपचारिकता थी। कि जब आपकी आस्था बहुत स्ट्रांग होती है, जब फेथ आपका बहुत गहरा होता है, तो आप कोई भी काम आप ऐसे ही काम करके दिखाते हो जो कि बाकी दुनिया को असंभव लगते हैं। बाकी दुनिया को असंभव क्यों लगते हैं? क्योंकि उनमें वो आस्था और फेथ नहीं पैदा हो पाया। कहते ना कि अगर जिन जिन लोगों ने गुरु पर भरोसा किया तो खाई में भी कूद लगा देते हैं गुरु के कहने पर। आस्था जो है वो एक जादुई शब्द है। तो मतलब इस हद तक जादुई है कि अगर सपोज ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, और एक नहीं अनेकों एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जहाँ कि रोगियों को क्या किया गया कि 2 सेट रोगियों के लिए गए, 1 सेट रोगियों को क्या क्या असली दवाई दी गई किसी खास बीमारी के लिए, और 2 सेट के रोगियों को जिनको कि वही बीमारी थी, डॉक्टरों ने सिर्फ पानी दिया, लेकिन ये कहते हुए कि ये इफ़ेक्टिव दवा है। और आप मानेंगे नहीं, ऐसे हज़ारों एक्सपेरिमेंट हुए हैं और हज़ारों एक्सपेरिमेंट्स की निष्पत्ति ये है, फाइंडिंग ये है कि जिन लोगों ने ये भरोसे के साथ वो दवाई पानी पिया कि ये डॉक्टर उनको उनकी रोग की दवा दे रहा है, वो लोग भी ठीक हो गए, हैं? तो जब आस्था ऐसा काम कर सकती है, तो अगर सपोज करो कि आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हो और आपके मन में ये भरोसा आस्था है कि यार आप इसको पहले ही अटेम्प्ट में निकाल लोगे, तो क्या होगा इससे? वो आस्था आपसे अपने आप उस तरह का परिश्रम करवाएगी जो कि वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी है, हैं? तो ये एक्चुअली आस्था भी जादुई तो है, लेकिन ये इसके पीछे भी साइंस है। वो आपको बिना, अगर वो आस्था बेसिकली क्या है कि वो हर मोमेंट आपको मोटिवेट करती रहती है, हैं? अन्यथा क्या होता है, अगर आस्था नहीं तो वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। 2 दिन आपने मेहनत की, बोर हो गए, मन नहीं लग रहा, हैं? लेकिन जब कोई बड़ा मकसद हो और उस पर गहरी आस्था हो अपने से, तो आप पूरा जीवन उस पर निछावर कर देते हैं। आप ये मान के चलते हैं कि कितनी भी बड़ी मुश्किलें आपके रास्ते में आए, आप उसको आसानी से पार कर जाएंगे। तो अपने भीतर आस्था पैदा कीजिए, भरोसा पैदा कीजिए। ऐसा भरोसा जैसे छोटी बच्ची अपने पिता पर करती है। आपने देखा होगा कठिन रास्तों पर, जब मेरी छोटी बेटी थी तो हम गांव के रास्ते में जा रहे थे। हमारे गांव के रास्ते में ऐसा है कि बिल्कुल नदी के साथ साथ जरा सी पगडंडी, हाथ फिसलाने के नीचे गिरे, हैं? तो वहाँ पर बेटी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, हैं? तो वो अपना बिना निडर
स्वच्छंद उछलती कूदती जा रही थी, क्योंकि उसने हाथ पकड़ा, उसको उसको आस्था थी पापा के ऊपर कि पापा ने हाथ पकड़ा तो मुझे कुछ नहीं होगा। और जब भी मुझे कुछ नहीं होगा, जब आप फेयर से बाहर निकलते हो, आस्था आपको उस फेयर से बाहर निकालती है। बस यही तो जीवन में सफलता का सही राज है कि जहाँ आपने डर छोड़ा नहीं, डर के आगे जीत है। राइट, बस तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।